स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल हो चुके खेल कौशिकी मार्शल आर्ट्स के मध्य प्रदेश संघ का दिल्ली में कौशिकी फेडरेशन के द्वारा गठन किया गया। इंदौर में भी कौशिकी मार्शल आर्ट को लेकर माता पिता अब बच्चों को इस खेल की ओर रुझान करवा रहे हैं। सर्वसम्मति से मीनू और गुना अध्यक्ष, अविराज सिंह चौहान देवाश उपाध्यक्ष, अमय लश्करी इंदौर मुख्य सचिव सहित तमाम पदों की घोषणा हुई। इंदौर के एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी रूपाली वर्मा और हरिओम परमार राष्ट्रीय स्तर पर कौशिकी खेल को खेल चुके हैं। इंदौर के एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी के अमय लश्करी की माने तो एक समय इंदौर शहर में कौशिकी मार्शल आर्ट्स जैसे खेल के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के समय में शहर व जिले के कई प्रतिभावान बच्चों ने इस खेल में प्रदेश व देश के कई शहरों में गोल्ड, सिल्वर्स व अन्य मेडल जीतकर इंदौर का नाम रोशन किया है। वहीं बच्चे और उनके माता पिता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं गोवा फेडरेशन कप खेलने गया था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और क्या करना चाहते हैं आप आगे? और आगे मैं फेंसिंग में गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। ओलंपिक नहीं जाना चाहते? ओलंपिक तो जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी गोल्ड मेडल जीतना पड़ेगा, फिर जाएंगे। ऐसा सिलेक्शन होगा। जब आपके पेरेंट्स पापा मम्मी वगैरह चिल्लाते तो नहीं आप लोग जाते? नहीं नहीं, वो और सपोर्ट करते हैं। हमारे सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कौशिकी वगैरह में आपको किस तरह की किक ज़्यादा पसंद है? राउंड किक पसंद है, मवाशिगिरी पसंद है, और कौशिकी में तो ज़्यादातर ये हैंड से ही काम हो जाता है, पंच से। बॉलीवुड में कौन ऐसे स्टार है जो कौशिकी आपकी राउंड किक लगाता है और आपको अच्छा लगता है? टाइगर श्रॉफ मतलब उससे प्रेरित है आप? हाँ। अच्छा, आपकी क्लास सर के लिए क्या कहेंगे? सर के लिए हमारे सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में हमें आगे रहने देते हैं और बोलते हैं कि कभी भी पीछे मत हटो। क्या करना, टाइगर श्रॉफ की तरह बनना है, फिल्म स्टार या कुछ? उसकी तरह बनेंगे तो फिर क्या करना है, मतलब आगे क्या बनना है? आगे जाके हमें एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। ऐसा, अभी स्कूल में शिक्षा विभाग में किसी तरह की आपको कुछ स्कूल में कुछ इससे फ़ायदा मिला है? हाँ, मैं एलेट द्वारा स्कॉलराइज किया है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश एसोसिएशन फीस माफ़ हो सकती है। मतलब आपकी क्लास के उससे आपकी फीस में कटौती हुई है? हाँ। माफ़ हुई है कुछ भी है ना? और आपके दोस्त वगैरह इनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो उनको प्रैक्टिस कराता हूँ, वो बोलते हैं कि हमको भी आना है एलेट स्पोर्ट्स में, तो उन्हें भी आने देते हैं। और सर, कितनी जगह तक अभी तक आप खेल चुके हैं, जा चुके हैं? मसूरी, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, गोवा, पचमढ़ी, नैनीताल। अभी लॉकडाउन चल रहा था 2-3 महीने से, तो घर पे फिर क्या हुआ? घर पे प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस की। सर से इस बीच कांटेक्ट हुआ था आपका? हाँ, फ़ोन पे बात होती रहती थी, सर बोल प्रैक्टिस जारी थी। हाँ, प्रैक्टिस जारी थी। हम गोवा में फेडरेशन कप जीत के आए हैं, जिससे हमें एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी ने स्कॉलराइज किया है। हम दिल्ली में कौशिकी खेल के आए हैं, जबलपुर में कौशिकी खेल के आए हैं, और फेंसिंग खेलते हैं, एल्बो बॉक्सिंग के स्टेट मिले हैं, और मार्शल आर्ट्स के हर गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। आपके गले में बहुत सारे मेडल है, कौन कौन से मेडल हैं? मैं एक दिल्ली में मेरा गोवा फेडरेशन कप का एक गोल्ड मेडल लगा था, और काता इवेंट में सिल्वर मेडल लगा था, दिल्ली में मेरे को गोल्ड मेडल लगा था कौशिकी में। आप एलिट क्लास में हैं, एलिट इसमें है क्लास में, तो अभी आपको कुछ फ़ायदा मिला है? यस, मेरे सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे को स्कॉलराइज किया है, मैं और बहुत कम फीस लेते हैं। नॉर्मली जैसे क्लासेस लेती हैं उनसे तो बहुत कम फीस लेते हैं वो, और ज़्यादा ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। स्कूल जाते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? मैं 10th में हूँ अभी। आपको स्कूल में, स्कूली शिक्षा में कुछ फ़ायदा मिला है क्या? हाँ, मुझे 10% मार्क्स मिले हैं मुझे 10th बोर्ड एग्ज़ाम में शिक्षा विभाग की तरफ से, स्पोर्ट्स कोटे से। फीस वगैरह कुछ नहीं? फीस हमारी स्कॉलराइज की गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सर के लिए? आपके सर के लिए तो जितना बोला जाए कम ही है, सर ने तो इतना सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने, सर ने, बाकी तो उनका फुल सपोर्ट रहता ही है हर चीज़ में, कि क्या करना है, कैसे करना है, और उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। कौशिकी के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है ये चीज़, क्या चीज़ है ये कौशिकी? आम भाषा में कौशिकी एक ऐसा गेम है जो कि बहुत राजा महाराजा रॉयल गेम है, जो कि अब स्कूल गेम्स में आ चुका है, और अभी अभी
इसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, इससे आपको स्कॉलराइज कर सकते हैं, बहुत रॉयल गेम कह सकते हैं इसे आप। आपकी फीमेल दोस्त कितने हैं? फीमेल मेरे क्लासमेट्स हैं मेरे आज। वो लोग नहीं स्पोर्ट्स में नहीं है क्या? नहीं, सब मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ पेरेंट्स के कारण नहीं है। उनके लिए क्या कहोगे आप? जो नहीं वो उनकी गलती है, क्योंकि अगर किसी को देख के भी नहीं सीख पा रहे तो वो अपनी गलती कहलाएगी। मैं एलिट स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मार्शल आर्ट गेम। कितने सालों से आप सीख रहे हैं? मेरे को 4 साल हो चुके हैं। आगे और कितना सीखना है? मुझे और सीखना है जब तक मैं प्रोग्रेस नहीं कर लूँ। जब तक अभी कौन कौन से मेडल जीते हैं आपने? अभी हमने बहुत सारे मेडल जीते हैं। अभी हमने गोवा में गोल्ड मेडल निकाला था फेडरेशन में। क्रिकेट पसंद है आपको? हाँ। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ खेलते हैं। कोशी की से अच्छा है क्या क्रिकेट? नहीं, जो गेम है वही खेलते हैं हम, कोशी की खेलते बस। अच्छा, और क्या कहेंगे आप और बताएं कि जो आपके परिवार वाले लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। हमें सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, परिवार वाले भी और पड़ोसी भी। किस तरह से आपको तैयारियाँ करना होती है इस गेम के लिए? वार्म अप है, कीक है, बहुत सारी चीज़ें है इसी में। तैयारियाँ किस तरह से? सुबह कितने बजे उठते हो आप रोज? सुबह 6 बजे उठते हैं। कुछ खान पान में कुछ चेंजिंग होता है क्या इसमें अलग सामान्य तौर से? नहीं, बस प्रोटीन के लिए दूध और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, गोल्ड मेडल जीतना है आगे ओलंपिक में? हाँ, जाना है। और आपके स्कूल वालों के लिए क्या कहेंगे? स्कूल वाले भी अच्छे, सब फ्रेंड्स आते स्कूल वाले भी। मुझे एक बात बताओ, आज के समय में गेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के गेम की जिसमें लड़ाई मार धाड़ हो? इससे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, जहाँ पर भी लड़ाई हो या कुछ भी हो या फिर किसी की हेल्प करना हो, इस तरह से कर सकते हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है उसके लिए। मुझे बहुत सम्मान महसूस होता है कि मेरी 4 लड़कियाँ हैं, उनमें से मेरी 3 बेटियाँ इस खेल में उतरी है, अपना सेल्फ डिफेंस करती हैं, मतलब अपने बलबूते पे वो खड़े होने की कोशिश कर रही हैं और उसको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं आगे भेजने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये ओलंपिक खेले और भारत का, क्लास का और हमारा भी नाम रोशन करे। उस लिए आज के समय में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप अपनी बेटी से जोड़कर? इसी कारण हमने इनको बाहर निकाला है ताकि ये अपने आप को खुद को बचाओ या मतलब सेल्फ डिफेंस कर सके। आगे जाके कोई भी इन्हें देखते ही समझ जाए कि ये बच्चा क्या कर सकता है अपने साथ, लड़ाई या मतलब शारीरिक शोषण भी होता है कभी, तो ये बचाव के लिए अभी से तैयार हैं, इसलिए हमने आगे इनको भेजा है। आप अपनी 3 लड़कियों को इसमें तैयार कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए और कई लोग बचपन में ही उनकी शादियां कर देते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। हमेशा इन्हें आगे, लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी को आगे बढ़ने का हक है और माँ बाप को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अभी हमें लश्करी जी ने भी हमको पहले बताया, 3 साल पहले ये सब चीज़ें बताई, तब जाके हमने हमारे बच्चों को आगे करा है कि नहीं यार, बच्चों को सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे ही अपना नाम खुद ही रोशन करेंगे तो उनके नाम से हम जाने जाएंगे, उससे ज़्यादा खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो PhD नर्मदा प्रोजेक्ट में है। हाँ, अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं आपके बच्चे? बच्चे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और गोवा खेल चुके हैं, दिल्ली में, ग्वालियर में गवर्नमेंट टूर्नामेंट जो होते हैं वो भी खेल चुके हैं, सारे मतलब कोशिकी, एल्बो बॉक्सिंग, फेंसिंग, ये सारे इन्होंने गोल्ड मेडल निकाले हैं और जीत के आए हैं, और मैं चाहती हूँ आगे ये जाके इंटरनेशनल भी खेलें, ओलंपिक भी खेलें। जहाँ आपके बच्चे सीख रहे हैं ये चीज़ें सुरक्षा की चीज़ें जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सुरक्षा तो ये अपने हाथों में होती है बच्चों का, अगर आज अपन अपने हाथ पैरों पे खड़ा होना सिखा देते हैं तो माँ बाप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों को खड़े रहने के लिए, वो खुद ही अपनी शिक्षा और अपने बलबूतों पे आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि अपनी बच्चियों को आगे भेजें, अपनी बच्चियों को कभी पीछे ना रखें, चाहे वो बच्ची 1 हो 2 हो, चाहे वो कितनी बच्चे हो अपने, हमेशा आगे ही प्रेरित करें उन लोगों को जाने के लिए, ताकि आगे आपका नाम होगा, बच्चों का नाम होगा, उससे आप पहचाने जाओगे और उससे ज़्यादा खुशी दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकती है।